इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दीपेश और सैमुअल ने पूरी कहानी सीबीआई के एनसीबी के सामने बयान कर दी है। दीपेश और सैमुअल ने ये मान लिया है कौन से ड्रग्स का नाम, कब कितनी कितनी क्वांटिटी में घर पर लाए गए थे रिया और शौविक के कहने पे। मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ी जानकारी है अभी की, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि दीपेश और सैमुअल ने ये जानकारी दे दी है कि कौन से ड्रग्स जो है वो उनके घर पर आते थे पार्टीज़ में, जब पार्टीज़ होती थी तो वो कौन से ड्रग लाते थे रिया और शौविक के कहने पर। ये अपने आप में बड़ा वो है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आज रिया को गिरफ्तार करने एनसीबी की टीम पहुँची तो रिया ने आनाकानी की, उन्होंने समन स्किप करने की कोशिश की। ऐसे में एनसीबी के पास पहला और बहुत आसान विकल्प है रिया को गिरफ्तार करना, क्योंकि 11 बजे उनकी पेशी होनी थी और जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनकी बिल्डिंग के आसपास, पूरा कॉन्वॉय टाइप का तैयार हो रहा है, ऐसा लगता है कोई वीआईपी गाड़ी निकलने वाली है, मगर आज उन्हें गिरफ्तार करना है, इसके इशारे सीधे मिल रहे हैं। रिया ने गलती की, उन्होंने समन स्किप किया, क्योंकि अगर वो चली जाती आसानी से तो ज़्यादा बेहतर था, पर टेक्निकल इशूज़ मैं नहीं जानती। सतीश मानेशिंदे बड़े वकील हैं, उन्होंने एडवाइस किया होगा, उनके एडवाइस पर चल रही होंगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, धीरे 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 करके रिया और शौविक की मुसीबतें बढ़ रही हैं। अब दीपेश और सैमुअल ने भी बता दिया है, ड्रग्स के नाम तक बता दिया, अगर ड्रग्स के नाम, क्वांटिटी, पैसा अगर आ जाता है तो ये मामला गंभीर बनता है। बहरहाल फिलहाल आज कोर्ट में पेशी है इन लोगों की, और बातें खुलेंगी, कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा। अब अगर रिया से भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन होता है उसके बाद सारी बातें सामने आएंगी। आप बने रहे मेरे साथ लगातार, बहुत सारी महिला कर्मी भी पहुंच गई हैं रिया के घर पे, आपको बता दूं। खबरों का सिलसिला जारी है, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए।